नमस्कार, विश्वा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। इस खास पेशकश में हम आपको पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन और उसके बाद के हालात पर चर्चा करेंगे। भारतीय सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। इस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को अमेरिका का साथ मिला है और वहीं अफगानिस्तान जैसा पड़ोसी भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। यानी सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद कूटनीति के मोर्चे पर भी पाकिस्तान बैकफुट पर है। पीओके में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव भी बरकरार है। इस सर्जिकल स्ट्राइक को भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने में कामयाब रहा है। पुरी में आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में था, लेकिन भारतीय सेना ने उरी हमले का जोरदार जवाब दिया है, पाकिस्तान से बदला लिया है और पीओके में घुसकर आतंकियों और उनके मददगारों को सबक सिखाया है। पीओके में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां सेना की कार्रवाई पर देश भर में जश्न का माहौल है, वहीं सीमा पर तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान बेशक अपनी लाज बचाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की बात ना मान रहा हो, लेकिन उसकी बौखलाहट खुद ब खुद हालात को साफ कर रही है। भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये साबित हो गया है कि भारत अब आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह का ऑपरेशन पीओके में भारतीय सेना ने किया है, उस तरह का ऑपरेशन करने की हिम्मत बहुत कम देशों की सेना में है। ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज थी और इसका समय भी बहुत डिफिकल्ट था। इसी के ऐसे समय पे ये हुई है जिस समय के वहाँ पे सेना पूरी तरह से तैनात थी बॉर्डर के ऊपर, और तैनात ही नहीं थी बल्कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी वहाँ पे चल रही थी और पूरी प्रिपेयर्डनेस थी। उस बीच में इस तरह की स्ट्राइक करना ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास इस तरह की एक्सपर्टाइज है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक खड़ा मैसेज भी चला गया और भारत में डेमोक्रेसी है, भारत की आम जनता चाहती थी कि उरी का बदला लिया जाए, भारत ने बदला भी ले लिया, उनको मैसेज भी दे दिया। अब उनको समझना चाहिए कि भारत की शक्ति कितनी है, भारत किसी भी समय कहीं भी उनको डील कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को संकेत दे दिया है कि आतंक के खिलाफ उसका रवैया अब क्या होगा। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत की इस कार्रवाई के बाद उसकी सॉफ्ट स्टेट की छवि टूटेगी। इसके साथ आतंकियों और उनके मददगारों को एक साफ संकेत मिल जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए और अगर पाकिस्तान प्रतिक्रिया देता है तो उसका भी करारा जवाब दिया जाना चाहिए। भारत ने टेररिस्ट को और उनके जो प्रिपरेटर हैं, जैसे पाकिस्तान है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि अब हमारा जो क्या बोलते बर्दाश्त थी उसके बाद पार हो चुकी है और डेज ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट आर ओवर, वी विल एक्ट। दूसरा पॉइंट जो है कि इस एक्शन के साथ दहशतगर्दों को, दहशतगर्दों के आकाओं को और दहशतगर्दों के समर्थकों को जो कि एलओसी के दोनों पार हैं, उनको एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आएगा कि हिंदुस्तान अब दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। We have to wait for Pakistan's response in terms of the post-surgical strike response from the other side. We have to see how the major powers, the global community responds. But I would also add that domestically, Prime Minister Modi has sent a very strong signal to his own people and to the constituency that voted for the BJP that he is a very firm leader. And whatever he had said in the election campaign about India's security interests, he is willing to step up to the plate, as it were. POK में भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पूरा देश सेना और सरकार के इस कदम के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है।
आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के परिजनों का भी कहना है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सेना ने बहुत उचित काम किया है और ये हमारा लड़के का बलिदान या अभी हाल में जो बलिदान सेना का लोगों का हुआ है या बीएसएफ का हुआ हो उसका बदला अच्छी तरह से लिया गया है। हम चाहते हैं कि सेना जहां भी हो घुस करके आतंकियों को मार गिराए, बर्बाद करे। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में सेना को बधाई देने के लिए विशेष आरती का आयोजन किया गया। आज जो भारत के कमांडो लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के काम से जो हमला किए हैं उसके लिए हम लोग एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। तो वहीं कई जगहों पर सेना ने भी जश्न मनाया। तो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कैबिनेट की बैठक की। जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में नवाज शरीफ कैबिनेट की बैठक में पाक सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पाकिस्तान ने अपनी रणनीति बनाई। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उस पर अगर जंग थोपी गई तो वो जवाब देगा। ये सब भारत के बदला लेने के बाद हो रहा है। हंसी आती है इस पूरी कहानी को सुनकर, लेकिन हाँ, नवाज शरीफ ने यह बात कही है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाया है पाकिस्तान, कह रहा है कि शांति से रहना चाहता है। हालांकि उसके जो काम होते हैं वो इस तरह के नहीं होते कि शांति से रहने वाली बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध थोपा गया तो तैयार पूरी तरह से हैं। नवाज शरीफ ने भी आज मीटिंग की पाकिस्तान में और तमाम जो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी हैं वो भी उनके साथ शामिल थे। तो उरी अटैक का बदला तो ले लिया गया है, लेकिन इस बदले के बाद अब क्या होगा, भारत का रवैया क्या रहना चाहिए? नवाज शरीफ अगर कुछ पाकिस्तान से बोलते हैं तो उसका रिएक्शन भारत किस तरह से देगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पीएन हुन साहब जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हुन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। अनिल जी, आपका भी इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी नवनीत वाधवा भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, आखिरकार बदला तो ले लिया गया, लेकिन बदले के बाद हिंदुस्तान को किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? पाकिस्तान अगर उकसावे की बात करता है तो उसका रिएक्शन किस तरह को देना चाहिए? हालांकि कल ये साफ कर दिया गया सेना के द्वारा कि हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक अब इस तरह की नहीं होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान की ओर से कुछ कहा जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसका बदला हम लेंगे। चर्चा में लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।